डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 3। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं शिक्षण और अधिगम क्या है, इसका अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया और इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। दोस्तों आप यकीन करना, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और इसके साथ साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण और अधिगम क्या होता है, और इसके अंदर नंबर एक पे आती है अधिगम आता है। दोस्तों देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। यह एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए आपको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिगम का मतलब क्या है दोस्तों, अधिगम का मतलब है सीखना, और सीखना पूरी ज़िंदगी चला रहता है। जब हम छोटे से बच्चे होते तब से लेके जब हम मरते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब तक हम सीखते रहते हैं। ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि मनुष्य के जन्म के उपरांत से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से ही सीखना शुरू कर देता है, चाहे उसे कोई भी कुछ ना सिखा रहा हो। हमने देखा ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नकल बहुत करते हैं, वो दूसरों को देख के सीखते हैं। और एक चीज़ हमने देखी होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियाँ होती है, वो गली के अंदर जाके घूंघट करेगी, तो वैसे तो काफ़ी शर्मनाक चीज़ है ये, वो शर्म आती है हमें भी, लेकिन हमने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती है वो बड़ी अपनी चाची ताई वगैरह को देखती हैं, वो झाड़ू लगाती है गली के अंदर घूंघट करके, तो वो भी वैसे ही करती है। तो दोस्तों यही है अधिगम का मतलब, यही है कि सीखना, वो चाहे कैसे भी सीखना, और सीखना हमेशा चलता रहता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक सीखना भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही उसके जीवन का विकास होगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की कोई इच्छा ही नहीं है तो वो दोस्तों ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता अपने जीवन में, ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। और इसके अलावा और भी काफ़ी उदाहरण है दोस्तों इसके अंदर, मैं बताऊँ जैसे कि जैसे छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ेगा, और उसको क्या होगा दोस्तों, जब वो उसे पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि दीपक की लौ को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो आगे वो फिर उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं, और सीखने के लिए दोस्तों अधिगम करने के लिए हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है और किसी पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। हम सीखना कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये है लर्निंग अधिगम, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिगम की कुछ विशेषताएं दोस्तों, उनके बारे में हम बात करते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर आती है। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये दोस्तों हमने बात कर ली, अधिगम जो है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है, अधिगम क्या है दोस्तों, हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हम उससे मुँह मोड़ लेते हैं। कोई चीज़ अगर मान के चलिए टीवी पर कुछ चल रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उससे चैनल बदल देते हैं। तो अधिगम क्या है दोस्तों, अनुकूल प्रक्रिया है, हम अपनी इच्छा के अनुसार सीखते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसको अवॉइड कर देते हैं।
अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये दोस्तों, हमारे चारों ओर पूरी तरह से फैली हुई है, हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जब होगा दोस्तों, जब हम कुछ भी चीज सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। अधिगम में दोस्तों हम जो चीज़ हमने पहले सीखी है उसको अब रिलेट करके देखते हैं, तो वो क्या है कि हमारा जो पुराना अनुभव है और जो हमने नया अनुभव लिया है उससे भी हमारा अधिगम बहुत अच्छा होता है। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। देखिए जो अधिगम है वो शिक्षण के उद्देश्य जो है दोस्तों उसको प्राप्त करने के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है। अब देखिए शिक्षण मीन समान के चलिए, हमें एग्जाम के अंदर 70% नंबर लेके आने हैं, 80% नंबर लेके आने हैं, अगर हमारी अधिगम में रुचि है तो हम बिल्कुल आसानी से नंबर लेके आ सकते हैं 70-80%। लेकिन अगर हमारी अधिगम में रुचि नहीं है, सीखने में रुचि नहीं है, तो वो फिर हम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। और देखते दोस्तों और इसके अंदर क्या है। अब देखिए हम बात करते हैं शिक्षण एवं अधिगम का संबंध क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा शिक्षण क्या है। शिक्षण समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए शिक्षण का हमने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, शिक्षण एक सुव्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग के तहत शिक्षण किया जाता है, हमें कुछ सिखाया जाता है एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अगर कुछ लर्निंग की जाए उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारे शिक्षण होता है। और शिक्षण दोस्तों हमारा सामाजिक और व्यवसायिक दोनों तरह का हो सकता है। शिक्षण जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमें टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लास होती है, टाइमिंग होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, बुक्स होती है, सारी चीज़ें होती है, सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारा होगा शिक्षण। और अधिगम क्या होगा, अधिगम मैंने बताया, अधिगम के लिए कोई बुक्स जरूरी नहीं है, अधिगम के लिए कोई टाइम जरूरी नहीं है, अधिगम हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण एवं अधिगम का संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए अधिगम व सॉरी शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए अगर हम कुछ चीज सीख रहे हैं अपने हिसाब से सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे कोई टीचर आ जाए, कोई उस्ताद आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिस वो परफेक्ट है उस काम के अंदर, वो अगर हमें सिखाए तो क्या है कि हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो दोस्तों यही है अधिगम और जो शिक्षण है, उन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। आगे हम बात करते हैं अधिगम शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये हमने बात कर ली। अधिगम शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे के अनुवर्धक भी है और अनुपूरक भी है, एक दूसरे के पूरक है दोस्तों, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बता दी है दोस्तों कि अगर हमारे पास शिक्षण हो तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण व अधिगम में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए शिक्षण में जटिल परंतु अंतर संबंधी क्रियाएँ सम्मिलित होती है, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन करना। देखिए शिक्षण के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया जरूर हो सकती, लेकिन उसके अंदर और भी इंटरनल काफी सारी चीजें होती है। जटिल प्रक्रिया कैसे हो सकती है उसका मैं बताता हूं आपको। जैसे मान के चलिए क्लास के अंदर है, हमारा मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं हम। और शिक्षण के अंदर हमें लंबे समय तक पढ़ना पड़ सकता है, और ऐसा टीचर आ सकता है जो हमें पसंद ही ना हो, उससे भी हमें पढ़ना पड़ सकता है। तो शिक्षण क्या है दोस्तों, शिक्षण थोड़ी सी एक जटिल प्रक्रिया मान सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, अंत क्रियाएँ शामिल होती है। जैसे कि मान के चलिए क्लास है, क्लास के अंदर टीचर हमें थप्पड़ भी मार सकता है, चलिए खैर आजकल तो नहीं मारते, लेकिन पहले आपने काफ़ी थप्पड़ खाए होंगे, हमने भी खाए हैं, सरकारी स्कूल में खाए हैं और हर स्कूल में पढ़ते थे पहले, और मज़ा आता था। तो पहले चलिए वो चीज़ अलग है, कहने का मतलब ये है कि शिक्षण के अंदर ये सारी चीज़ें इंटरनल चीज़ें सम्मिलित होती, इसके अंदर थप्पड़ पड़ना और इनाम मिलना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, डांट फटकार पड़ना, निर्देशन देना, काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है शिक्षण के अंदर। और आगे हम बात करते हैं, जबकि अधिगम
व्यक्तिगत क्रिया है, यह विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होती है। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम हमारी हमारी पर्सनल चीज है, ये व्यक्तिगत क्रिया है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, ध्यान में रखना अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं और या फिर आप करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो हम ज़रूर ज़रूर करेंगे। हमारे लाइव क्लास जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखना, लाइव मॉक टेस्ट ज़रूर देना, उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण एक कार्य है, ये हमारा क्या है दोस्तों? एक वर्क है। शिक्षण क्या है? कार्य है। हमें पता है भाई सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, 2 बजे आना पड़ेगा, ये एज ए वर्क है हमारा। इसी तरीके से टीचर के लिए भी एक कार्य हो गया। जबकि अधिगम अधिगम उसका परिणाम है। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम परिणाम है, क्या टीचर ने सिखाया है वो अगर हमने सीखा है तो वो क्या हो गया? अधिगम हो गया। अगर हमने कुछ नहीं सीखा, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो क्या हुआ? अधिगम नहीं हुआ, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है जबकि जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है। ये चीज़ हमने कह ली दोस्तों, ये एज ए वर्क के समान होता है। अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। अधिगम क्या है दोस्तों? इसको हम सफलता की उपलब्धि कह सकते हैं। अगर हमने कुछ कुछ चीज़ सीख ली तो वो क्या है? वो हमारे लिए सफलता ही तो है। अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम सीख लेंगे तो वो हमारे बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। देखिए शिक्षण क्या है? एक सोशल वर्क है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी पॉइंट आया हुआ है। शिक्षण क्या? एक सोशल वर्क कह सकते हैं जो दूसरों के हित के लिए, हमारे समाज को बेटर बनाने के लिए किया जाता है। जबकि जो अधिगम है दोस्तों, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, ये हमने ऊपर भी बात की। अधिगम एक पर्सनल चीज़ है। अधिगम हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, अगर हमारा मन कर रहा है तो हम करेंगे। अब जैसे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें हैं। तो जिस स्टूडेंट को कुछ सीखना है, जिस भी व्यक्ति को कुछ सीखना है, वो आज लैपटॉप के ऊपर खोल के मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देख के पता नहीं आज क्या क्या सीख रहा है। तो वो क्या है? वो उसकी पर्सनल चीज़ है, उसको कोई सिखा नहीं रहा, वो अपनी इच्छा से देख रहा है, अपनी इच्छा से आर्टिकल पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, तब जाके वो अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी एक व्यक्तिगत क्रिया है। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है लेकिन ये आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। देखिए शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे चीज़ समझनी जरूरी है दोस्तों, ये पॉइंट आया हुआ है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं आप। देखिए शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अगर हमें शिक्षण करना है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की रुचि हो सकती है, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे मान के चलिए क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या है कि बच्चे शोर कर रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं अच्छे से अच्छे टीचर से भी, ठीक है। तो वो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता अधिगम, ठीक है। ये कह रहा कि अधिगम उसमें समाहित हो सकता है लेकिन 100% ज़रूरी नहीं है। ये बात आ रही है ना आपको समझ में? आ रही होगी। अब देखिए जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीख रहे हो सकता है आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए बताना। अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है लेकिन यह भी आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। ये देखिए ये भी दोनों की दोनों चीज़ें सही है दोस्तों। अधिगम सीखने के लिए कोई सिखाने वाला हो सकता है लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ गए। अधिगम बार बार बात कर रहे हैं, अधिगम सीखने के लिए किसी कोई टीचर हो सकता है, अगर टीचर नहीं भी है ना तो भी हम सीख सकते हैं। मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बुक्स का एग्जाम्पल दिया। बुक्स है, बुक्स में कोई हमें सिखा तो नहीं रहा ना, हम अपने हिसाब से सीख रहे हैं ना। तो वही चीज़ आ गई इसके अंदर, अधिगम के लिए भी शिक्षण का होना ज़रूरी नहीं है और शिक्षण के लिए भी अधिगम का होना ज़रूरी नहीं है।
ये हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। और अब हम बात करते हैं दोस्तों करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर की बात करते हैं। देखिए, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक आश्रित चर होता है। लर्नर जो होता है दोस्तों वो आश्रित चर होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है हमारे जो टीचर होते हैं उनके ऊपर और हमारी बुक्स के ऊपर डिपेंड होता है। लर्नर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है दोस्तों? अधिगमकर्ता की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। अध्ययनशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, आशावादी होनी चाहिए। आशावादी होना चाहिए ना। अब देखिए, कई बार जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं और पहले ही दिन ये सुनने को मिलता है, ये टीचर तो बढ़िया नहीं है, ये तो घटिया, ये तो ऐसे, ये वैसे। अरे नहीं, पहली बार में हो सकता है, टीचर भी तो इंसान है ना, वो भी तो हेजिटेट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और ऐसे ही रिजल्ट के अंदर होता है, अगर कोई कोई स्टूडेंट एक दो बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देगा तो हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए, आगे एग्ज़ाम ही ना दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें आशावादी रहना है, मोटिवेट रहना है, हमें उम्मीद रखनी है भाई हम होंगे कामयाब एक दिन। और आपका ज़रूर होगा दोस्तों, आपका यूजीसी नेट ज़रूर होगा, आशा रखनी है हमें। ठीक है, अगर आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो आप अच्छे टीचर वो अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। और आगे हम बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सकारात्मक, धैर्यवान, अनुशासित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है? जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? काल्पनिक, वो कल्पना करने लगता है भाई ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, इसकी मैं ये ट्रिक बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो हो जाता है। स्व प्रेम की भावना, उस वो अपने आप से प्रेम करने लगता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, उसमें ये कॉन्फिडेंस होने लगता है कि अब मुझे खुद करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ठीक है, विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना, वो विद्रोह भी करने लगता है जब बड़ा होता है तो अपने घर वालों से सवाल जवाब करता है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। मित्रता की भावना, नास्तिक व आस्तिक हो सकता है वो। देशभक्ति की भावना उसमें आ सकती है, काम प्रवृत्ति की भावना ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं जो स्टूडेंट है उनके अंदर। देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे वो शारीरिक रूप से अलग हो सकता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे बात करें, टीचिंग के अंदर बात करें, तो दो होती है, आंतरिक भिन्नता और बाहरी भिन्नता। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक, उसका वातावरण हो सकता है, वातावरण हो सकता है उसका जो परिवार में ज़्यादा शोर शराबा होता हो, चिड़चिड़ापन हो उसके परिवार में, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे काफ़ी शोर होता हो, तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लिंग भेद हो सकता है, अगर लड़की है उसमें अलग डिफरेंस हो सकता है, लड़के में अलग डिफरेंस हो सकता है। वंशानुक्रम हो सकता है, मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते वो जो कम पढ़ाते हुए आ रहे हो उनकी थिंकिंग ही अलग हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। शिक्षा भी हो सकती है, क्या पता कि परिवार के अंदर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको वैल्यू होगी टीचिंग की, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सकता है उनको वैल्यू ना पता हो ज़्यादा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएँ काफ़ी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। मानसिक विकास भी अलग अलग हो सकता है, शारीरिक विकास और फीलिंग भी अलग अलग हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में शिक्षक का योगदान क्या हो सकता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अलग है, उसका मंद बुद्धि है, उसका दिमाग काम कम कर रहा है, मान के चलिए क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम समझ में आता है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसको अच्छे से समझाए, अच्छे से ट्रीट करे। कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसा, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। मान के चलिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो गुस्सा ना हो और आराम से बताए। तो हमारे पास भी WhatsApp पे मैसेज आते हैं और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी बार हम इरिटेट हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है क्योंकि हमारे पास 100+ मैसेज आते हैं दोस्तों स्टूडेंट के, और उन सभी के जवाब दे दे के थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे आप सभी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। आप आइए, WhatsApp पे मैसेज कीजिए और
तंग कीजिए हमें, तंग कीजिए हमें, ठीक है, और हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो टीचर का फर्ज यही बनता है कि वो अगर इरिटेट भी है ना तो उससे गुस्सा मत करें, यानी कि उससे एक बहस कहते हैं ना जिसे, नफरत जिसे कहते हैं, नफरत मत पाले, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसका फर्ज बनता है कि वो अच्छे से समझाए उसको, अच्छे से उसको गाइड करे, अच्छे से अगर उस वो उसे लगता है ये बच्चा गरीब है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसको हेल्प भी करनी चाहिए आर्थिक रूप से भी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बदलाव क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अलग अलग बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम भी अलग अलग हो सकता है। क्लास का आकार सीमित रखना चाहिए। अगर हमें ये लग रहा है भाई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो हमें क्लास का जो साइज़ है वो कम रखना चाहिए। सरल शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, यानी कि क्या क्या फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शिक्षण प्रभावक तत्व, उसके अंदर क्या होता है, शिक्षक की विशेषताएं, शिक्षक में क्या क्या विशेषता है। अगर कोई इरिटेशन वाला टीचर है, बहुत गुस्सा करने वाला टीचर है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। विषय का ज्ञान कितना है टीचर को, वो मायने रखता है। स्पष्ट उद्देश्यवादी होना चाहिए, उसको स्पष्ट बातें करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के अगले को नॉलेज है ही नहीं, वो ऐसे घुमाता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड वाला टीचर नहीं होना चाहिए। ऊर्जावान होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, समय समय पे मोटिवेशन करने वाला होना चाहिए। विषय का मूलभूत व्यवहार, यानी कि मूलभूत जानकारी होनी जरूरी है विषय के बारे में। काफी तरह की चीजें दोस्तों आप यहाँ पे देख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए जैसे भावनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अंदर, समय का पाबंद होना चाहिए, जिस समय पर उसने बोला उस समय पर उसको आना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे आगे हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री स्पोर्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं। शिक्षण सहायक शिक्षण कार्य करते समय जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है शिक्षक, उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड की है। नंबर एक पे है दृश्य सामग्री, इसके अंदर प्रोजेक्ट, फिल्म, स्ट्रिप और श्याम पट, मानचित्र इत्यादि ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें से एक दो क्वेश्चन आए थे पहले, आप पढ़ लेना इसको, और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो होगी, डिस्क होगी, टेलीकॉन्फ्रेंस होगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, इसके अंदर है दोस्तों जैसे विजुअल एड, वही आ गई दोस्तों जो दिखने वाली चीज़ें होती है, जैसे चार्ट हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रोजेक्ट, काफ़ी तरह की चीज़ें। ऑडियो एड्स हो गया, इसके अंदर रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ये दोस्तों यहाँ पे शायद हिंदी इंग्लिश में दिया। ये देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, आप इनको पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और आगे हम बात करते हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड बाय द NCERT, इसके अंदर है प्रोजेक्ट एड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, ऑडियो वीडियो, ये वही सारी चीज़ें दोस्तों जो हमने ऊपर की है, वही सारी चीज़ें दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों एक कमेंट तो ज़रूर बनता है ना, आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे और हम सब मिलके कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।